स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, तो आज साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे MCQ वाला, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव वाला देखेंगे। तो जब सबसे पहले MCQ देख लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट एक बना दिए हैं 2023 मॉडल पेपर करके। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण याद रखिएगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या F=R/2, फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, ये संबंध है सेकंड ऑप्शन से। प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है, मतलब कौन बदलता नहीं, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है, तो 1 डायोप्टर होगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो क्षमता दिया हुआ पावर, पावर बराबर फॉर्मूला है तो 1/F, तो पावर दिया हुआ है, फोकस दूरी निकालना है तो फोकस का भी फॉर्मूला हो जाता है 1/P हो जाएगा, तो 1/P है 4, इसको भाग देंगे तो 0.25 आएगा, लेकिन मीटर में आएगा, हमको दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो 0.25 को 100 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पांचवा नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है। 6ठा क्वेश्चन है, वाहन का अग्रदीप गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण उपयोग होता है, मानव नेत्र किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल में। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है, तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। ठीक है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो पुतली करता है, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो डी ऑप्शन सही। 1 किलोवाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का है ना, शक्ति पावर का। कूलम किसका मात्रक है, एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। विद्युत मोटर एक युक्ति जो परिवर्तित करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत मोटर है ना, एक मोटर चलता है विद्युत से, विद्युत से फिर वो अलग अलग काम में लाया जाता है, यानी मशीन का ऊर्जा बन जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया, जल का विद्युत अपघटन अपघटन टूटना, तो टूटना को विभुजन अभिक्रिया कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक रिएक्शन, इसमें बोला है आप उपचयन किसका हो रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो, जिसमें ऑक्सीजन बढ़े हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कम हो, तो ऑक्सीजन जहाँ पर बढ़ रहा है वो उपचयन हो रहा था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था उधर गया था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया, तो ये उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें बोला कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, कॉपर है, कील है, ये विस्थापन अभिक्रिया का है। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो लिटमस पत्र प्राकृतिक है, बाकी आदमी द्वारा बनाए हुआ केमिकल है, मिथाइल ऑरेंज और फेनिलफथेलिन। कौन सा विलयन का पीएच मान 10 है, कौन सा विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्न में क्या है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, तो वह क्षार हो सकता है, 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है। ये फोटो जो है ये बोला है काचिज का है, तो सांद्र अम्ल तथा क्षार बर्तन के चेतावनी चिन्ह है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, स्टार्टरिगम। कौन सा आधातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन, और यही रहता धातु तो पारा होता है ना, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, धातु कहता द्रव अवस्था में तो पारा, अधातु में ब्रोमीन। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है, अग्निशमक आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका उपयोग कराया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर है, तो परमाणु संख्या के आधार पर है। निम्नांकित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटाशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहते हैं, उसको खनिज कहते हैं। प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, तो अल्कोहल है। ठीक है, प्रोपेनॉल, नोल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल आ रहा, अल्कोहल में नोल जुड़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लगता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन, फ्लोएम फल जो भोजन का परिवहन, तो भोजन ऊपर बनता है, पत्ता पत्ता से नीचे केवल नीचे की ओर ये होता है। ठीक है, आता है वीर की जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, तो वीरिकाणु है, तो यहाँ वीर लिखा हुआ है तो वीरिकाणु है ना। फल में को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो एथिलीन हार्मोन फल को पकाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से, तो अंडाशय द्वारा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, मिलन को संचयन या निषेचन कहते हैं,
निश्चय चिन्ह। ये चित्र दिया हुआ बोला कौन सा ये है क्या है, तो ये मुकुलन दर्शा रहा है। ठीक है, पक्षी और चमगादड़ के पंख चाहते समझातंग है। मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया, तो मटर लिया था। निम्नांकित में कौन उत्पादक है, तो घास उत्पादक है। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो द्वितपोषी स्तर। शाकाहारी क्या है, दूध। पहला है उत्पाद जैसे हरे पेड़ पौधे, और शाकाहारी जो उसको खाता है तो वो द्वितपोषी स्तर है। ओजोन परत के अपक्षयन के जिम्मेदार कौन है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो नाभिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है, तो नाभिक ऊर्जा होगा जैव मात्रा का। लकड़ी, गोबर, गैस ये सब है लेकिन नाभिक ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल होनी चाहिए कितना, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होनी चाहिए, तब वहाँ से पवन ऊर्जा बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा MCQ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो समझ में आया हुआ अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।